528 वीडियो में पहली बार राम राम देसी आदमी के लिए, देसी जिसका गांव और करीबन 90 के पास इनकी उम्र और इनका जन्म 1938 है बाबा। तो आज बाबा तो पूछूंगा, बाबा क्या ऐसी ऐसी बीमारियां इस देश के अंदर आपके टाइम में भी आ चुकी और उनका क्या तो सरकार का रवैया रहा और क्या जनता ने रुख अपनाया कि वो बीमारियां भागने को मजबूर हुई इस देश से। बाबा सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्री अमर सिंह जांगड़ा। जांगड़ा गांव। जन्म कद का आपका? जन्म 1938 का। तो बाबा ये आज जो या कोरोना बीमारी आ रही है, सरकार सामने कहे भाई घर से बाहर ना निकलो। तो बाबा इस तरह की बीमारी कोई इस देश में पहले भी आई थी कहते कोई? हाँ पहले भी आई थी। अच्छा पहले आई थी बीमारी, वो भी इसी बीमारी की तरह बड़ी बहुत भयानक बीमारी थी। अच्छा उसमें तो आदमी ने दाग दे के भी आया कर दे आया कर दे तो दूसरा चार मिले। तो बुजुर्ग कहते आए थे ना उन सुनी से उस बीमारी ते 15-16 साल बाद की आए जन्म से मेरा। अच्छा 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 हाँ उन बातों तो करीब हो लिए होंगे 100 साल। अच्छा 100 साल हो लिए करीब उस बीमारी ने। अच्छा हाँ जी। तो 100 साल पीछे एक नई बीमारी हो रहा कि कोरोना वायरस या कोरोना वायरस आ गई वो वैसी बीमारी ये है। अच्छा सेम बीमारी है। हाँ। लेकिन बाबा एक बात और कहे है, देसी आदमी तो देसी बात है। हाँ। दिनों का छूटता फैला है तो बाबा यार छुआछूत की बीमारी भी हो सकता है? छुआछूत की बीमारी हो सकता है। अच्छा बिल्कुल हो सकता है। तो बाबा उस टाइम के इलाज करा हमारे बुजुर्गों ने जो उस बीमारी से रोक पाई? देखो वे उस बीमारी ने तो न्यू सुनया से के कंधे आए बुजुर्ग के कत्तक वाली बोलन उस बीमारी कत्तक वाली बीमारी बोलन सर कत्तक में झाड़ियाँ बेर बैर भी लग गया कर जी। जिस आदमी ने बेर खा लिए ने वो ठीक हो गया। अच्छा देसी इलाज भी पा गया? देसी इलाज भी पा गया वो। अच्छा वो तो किसी ने खा लिया वो ठीक हो गया तो फिर वो खा लिए। इस बीमारी में लक्षण के होया करते कत्तक वाली में? वो तो चेतक की वो चेचक की बीमारी बता करते भाई। चेचक की चेचक मुंह को दाने से हो जाते और उस बीमारी तो आदमी बहुत आदमी मरे उसमें भी। और उसके बाद तो ये मारा आगे भी जैसे पोलिया चला है। हाँ हाँ सही बात है। पोलिया तो मारा देखा हुआ है उसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत मदद करी है तो उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत काबू पाया बिल्कुल ठीक होगी दुनिया। तो बाबा ईब के इलाज करना चाहिए आम आदमी ने इस बीमारी तक लड़न खातर? देखो भाई ईब तो इस बीमारी का इलाज जो अपना प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहा है ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। जो एक नंबर की बात कर रहा है घरों में रहो बाहर मत घूमो भाई एकमात्र इसका तो इलाज बस यो है और कोई इलाज नहीं। सिर्फ इसका इलाज बाबा दुनिया तो नहीं हो रही है भूखे मर गए और कई तो बाइक अब मजे लेते घूमे हैं टाइम आई थे उस टाइम नू भी घूमे करते बंदी करे हैं ना न्यू नहीं घूमे करते यानी बड़े घर के बड़े बुजुर्ग का बात रखा करते मान्या कर दे अरीब तो भाई बेराज के हो रहा है देश में कोई मानता है कोई नहीं। कहें कि इस तरह आता भी आपके पास कोई और बुजुर्ग आवे है अगर कोई ओका मांग ले तो आप ओका दे दो? देखो भाई के करा देने की नीत तो है नहीं नहीं दिन दे ओका। अच्छा ना कौन दे भाई। अच्छा देखो बीमारी या इसकी अछुआ छूत कह लो चाहे कुछ भी कह लो। अच्छा ये भरे एक हाथ छू लेते हैं या मुँह कद मुँह ला लेते हैं तो ये बीमारी फैल रही है। अच्छा इसलिए ओके कभी हाथ और अगर कोई पीना चाहो तो अपना साफ सफाई करके ओका पी लो भी और दूसरे न मत क्या हो। अच्छा। अपने घर के भीतर रहो बाहर मत निकलो। लेकिन बाबा आजकल तो उनका मर गए लड़ी मर गए तो कोनी और मरने तो बीमारी से या कि राजा और मार भी दे बाकी गवर्नमेंट के बंदोबस्त में कोई कमी नहीं है। यानी गवर्नमेंट तो एक नंबर का काम करने लग रही है जनता जागरूक होने लग रही है ढंग से की। हाँ नहीं लग रही। अभी पापा ने कह दिया हो काम तो मेरा बस का भाई आओ उसने कौन पियाँ
जो ओका आवे दो मांझ के मारा ओका बरा घर ने बैठ के मैं एक लाई पीनी आऊँ मेरा घर जी दादा घर ना कोई ओका पीने को नहीं दादा कह मेरा सगा भाई आओ तो मैं ओकर हाथ लगाने भी कौन दी भाई बीमारी ही चल रही है इस बीमारी से बचना है तो क्योंकि इस देश के ऊपर आपदा पहले भी आई और बताए बुजुर्गों ने और वास्तव में मुकाबला किया देश की जनता ने एकजुट होकर एकजुट होने मतलब हाँ एकजुट होकर कर रहे हैं बिल्कुल कर रही है जनता बहुत कुछ कर रही है ना बाबा हाँ कर रही है यार बीमारी जल्दी भाग जाएगी हाँ देखो यार अगर ये न्यू के न्यू कर ही रहे तो यह बीमारी भाग जाएगी और पापा घने फुकरा बंद करेंगे तो और ज्यादा फैलेगी फिर वो काम हो जाए जो पहला उधर पहले हुआ था वो हो जाएगा तैयार पाओगे तैयार पाओ देखो यो बंदोबस्त जो गवर्नमेंट ने कराया है ये बहुत अच्छी बात है और यो जनता ने भी कर देना चाहिए था, उस टाइम में सुने थे कि लूट खसोट भी हुई थी जब बीमारी आई थी महाकाल पड़ा था कल लूट खसोट भी थोड़ी बहुत हुई हुई थी वही भी हुई थी अच्छा हाँ लेकिन ई वो ऐसा काम को नहीं पापा ई वो ऐसा काम नहीं आया करता अच्छा ई काम को नहीं पहले तो वो जाया करता वो जाया करता थोड़ा बहुत है और ई तो भाई से काम मदिशा हो रही कि कशुताए काम हो रहा है गम्मा के लोग सहयोग किस तरह करते उस अगर सरकार की कह दिया बंद हो गया भाई तो गम्मा के लोग किस तरह सहयोग करते वो थोड़ी वो बताओ गामा के लोग इकट्ठे होके कह दिया कर दे देखो भाई यो बंदोबस्त है इस तरह होगा उसी तरह गांव के मान लिया कर दिया कर यानी पूरा पूरा गांव मान लिया था एक आदमी की बात पूरी मान लिया कर दे बिल्कुल माना कर दे अच्छा हाँ जब ये लोग बच गए जब देश का नाम है हाँ देखो जी अब हम तो ये कहाँ के मान लेनी चाहिए ये बात बहुत अच्छा सुझाव दे रखा प्रधानमंत्री मोदी ने यो काम बहुत अच्छा है इलाज उलूज के किस तरह के बनेगा बाबा इसका इलाज भाई पहले तो आया भी कर दे जड़ी बूटी जंगल में बहुत होया कर दे ऋषि मुनि बहुत जाने भी कर दे उन जड़ी बूटियाँ तभी इलाज बहुत होया कर दे अच्छा तो बाबा लगते है यो कोई ऐसे ऋषि मुनि कोई विद्वान ने कोई पूर्ण बना के दाब रखा हुआ कोरोना का देखो जी इस बात का के कैसा है कोई ऋषि मुनि दबा हुआ कि हो भी मिल भी जा तो कि वो इसका उद्धार कर सकता अच्छा भारत देश देश करेगा उद्धार तो देश करेगा इस बात का उद्धार तो करेगा देश अच्छा और देश में जनता सारी आली तो जनता ही कर सके से वो ऋषि मुनि जो आया कर दे जड़ी बूटी दिया कर दे वो रहे को नहीं किधर लुके छिपे हूँ तो किधर गवर्नमेंट तलाश कर सकती है उनको उनको करना है पा भी सके कोई ना कोई अच्छा नहीं बाबा ने कह दिया कोई ना कोई देसी इलाज पाओगा क्योंकि तो ये तो देश तो जगत गुरु देश रहा है तो भैया सही बात है कोई कूड़ा काना ढूंढ दो सरकार कि बड़ा देसी इलाज इसका पाए जा तो ले ढूंढ लो भाई सरकार की तो पा जा तो देसी दवाई पहले जो काते वाली बीमारी का कर दे उसमें जिस आदमी ने बेर खा लिए वो ठीक हो गया बताओ हुआ दवाई लग गई उसका देख ले तो भाई काते की बीमारी बेर तो आदमी ठीक हो सकता तो कोरोना वायरस इसी क्यों सी बड़ी तोब है इस भारत देश के लिए जो जगत गुरु का जी ने काम किया हो तो क्यों ना क्यों इलाज जरूर मिलेगा इसका इसी देश के अंदर मिलेगा जैन सेनो से अजनक।